हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शटडाउन के दौरान ध्यान देने वाले ऐसे टॉप 10 सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में, क्योंकि किसी भी शटडाउन में आपके काम से ज्यादा इम्पोर्टेंट आपकी सेफ्टी है, चाहे आप किसी भी पोजीशन पर क्यों ना हो। यानी प्रोजेक्ट मैनेजर से लेकर के टेक्नीशियन तक सबको सेफ्टी फॉलो करना चाहिए, ताकि शटडाउन के दौरान कोई भी इंसिडेंट या मेजर एक्सीडेंट ना हो। इसलिए आज ऐसे टॉप 10 प्रिकॉशंस की बात करेंगे जो आपको ऑलवेज ध्यान में रखना चाहिए। सो गाइज, आवर वेरी फर्स्ट पॉइंट इज प्रॉपर प्लानिंग एंड ट्रेनिंग। यानी शटडाउन शुरू होने से पहले उसकी प्रॉपर प्लानिंग और पूरी टीम की ट्रेनिंग जरूर होनी चाहिए। यहाँ प्लानिंग का मतलब है कि जब आप कोई भी जॉब प्लान कर रहे हैं, तो ये ध्यान रहे कि एक टाइम पर एक ही जगह पर ऐसे जॉब्स को परफॉर्म ना किया जाए जिससे कोई प्रॉब्लम या नुकसान हो सके। फॉर एग्जाम्पल्स, जिस लोकेशन पर कोई जॉब परफॉर्म हो रहा है, वहां एट द सेम टाइम रेडियोग्राफी वगैरह परफॉर्म नहीं करनी चाहिए। या फिर कहीं आप काम कर रहे हैं तो सेम लोकेशन और सेम टाइम पर वहां हाइट पर क्रेन एक्टिविटी या फिर रेगिंग एक्टिविटी नहीं होना चाहिए। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि साइमल्टेनियसली एक साथ एक जगह पर जॉब को प्लान नहीं करना चाहिए, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना होता है। इसके अलावा किसी भी काम को शुरू करने से पहले सभी टीम मेंबर्स को उसके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए। जैसे अगर किसी को हाइड्रो टेस्ट करना है, तो उसे प्रॉपरली ट्रेन किया जाना चाहिए कि सेफली हाइड्रो टेस्ट कैसे परफॉर्म करना है। हर एक वर्कर को सेफ्टी ड्रिल्स और इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्रोसीजर के बारे में ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, ताकि अगर इमरजेंसी सिचुएशन आए तो सबको पता हो कि क्या करना है। नाउ सेकंड पॉइंट इज हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट। शटडाउन शुरू करने से पहले सभी पोटेंशियल हैजार्ड्स को आइडेंटिफाई करना और रिस्क असेसमेंट करना बहुत जरूरी होता है। सपोज अगर आप कहीं आइसोलेशन यानी ब्लाइंडिंग की एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, तो काम शुरू करने से पहले आपको इंश्योर करना चाहिए कि जो भी उस लाइन के अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम वाल्व हैं, वो क्लोज्ड कंडीशन में हो। इसके अलावा लाइन का जो प्रेशर है वो रिलीज हो चुका है, ताकि ब्लाइंडिंग करते टाइम कोई भी गैस या फ्लूड सडन रिलीज ना हो, नहीं तो सीरियस इंजरी या फिर एक्सीडेंट हो सकता है। सो गाइज, इस प्रकार हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन और रिस्क असेसमेंट के द्वारा सभी रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं और सेफ तरीके से काम कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉपर यूज ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। सो PPEs जैसे कि हेलमेट, ग्लव्स, सेफ्टी गॉगल और सेफ्टी सूज सबसे ज्यादा जरूरी चीज है किसी भी प्लांट में जाने के लिए। हर एक वर्कर को सही तरीके से PPE पहनना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि वो अच्छे कंडीशन में हो। फॉर एग्जाम्पल्स, अगर आप हाई नॉइज एरिया में जा रहे हैं, तो आपको ईयर प्लग या फिर ईयर मफ का इस्तेमाल करना ही चाहिए। अगर आप हाइट पर काम कर रहे हैं, तो आपको सेफ्टी हार्नेस का इस्तेमाल करना चाहिए। आपने जो भी हेलमेट पहन रखा है, तो उसके चिन स्ट्रैप जो है वो प्रॉपर तरीके से आपको लगाना चाहिए। तो इस तरीके से हमें प्रॉपर PPEs का इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है लॉकआउट टैग आउट प्रोसीजर। सो गाइज, इक्विपमेंट को सेफली शटडाउन करने के लिए लॉकआउट टैग आउट प्रोसीजर फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। इसका मतलब है कि इक्विपमेंट को पावर सोर्स से डिसकनेक्ट करना और उस पर लॉक और टैग लगा देना, ताकि कोई भी उस इक्विपमेंट को एक्सीडेंटली स्टार्ट ना कर सके। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप किसी मोटर की ओवरहॉलिंग या फिर मेंटेनेंस करने जा रहे हैं, तो उसका लॉकआउट और टैग आउट करना बहुत ही जरूरी है। गाइज, नेक्स्ट पॉइंट है परमिट टू वर्क सिस्टम। सो गाइज, किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले परमिट टू वर्क सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। यानी जो भी आप काम करने जा रहे हैं, वो उस परमिट पर क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि कौन सा काम आपको करना है और कौन से सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करने हैं। जैसे अगर आप कन्फाइंड स्पेस में काम करने जा रहे हैं, तो बिना परमिट के एंट्री आपको नहीं करना चाहिए। गाइज, नेक्स्ट पॉइंट है कम्युनिकेशन। सो किसी भी शटडाउन के दौरान प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल्स एस्टेब्लिश करना बहुत ही जरूरी होता है। जैसे वॉकी टॉकी, विशेल्स, हैंड सिग्नल्स और भी अदर कम्युनिकेशन टूल्स यूज करना चाहिए, ताकि सभी लोग एक दूसरे से कनेक्टेड रहें। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी को भी इमरजेंसी सिचुएशन में हेल्प चाहिए, तो इजिली कम्युनिकेट कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है
इमरजेंसी रिस्पांस प्लान। शटडाउन के दौरान एक इफेक्टिव इमरजेंसी रिस्पांस प्लान रेडी होना चाहिए। सभी वर्कर्स को इस प्लान के बारे में पता भी होना चाहिए। इसके साथ इमरजेंसी एग्जिट और असेंबली पॉइंट्स क्लियरली मार्क्ड होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्लांट में फायर की सिचुएशन होती है तो सबको पता होना चाहिए कि फायर एक्सटिंग्यूशर्स कहाँ है और सेफ असेंबली पॉइंट कहाँ है, ताकि वो इमरजेंसी सिचुएशन में सही तरीके से रिस्पॉन्ड कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन। सो गाइस, शटडाउन के दौरान प्रॉपर मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। सुपरवाइजर्स को इंश्योर करना चाहिए कि सभी वर्कर्स सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी भी वर्कर का अनसेफ एक्ट या फिर अनसेफ बिहेवियर दिखता है तो सुपरवाइजर को इमीडिएटली उसे करेक्ट करना चाहिए, ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो सके। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हाउसकीपिंग। लाइक क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड वर्क एरिया मेंटेन करना बहुत ही जरूरी होता है। लाइक स्पिल्स, डेब्रीज और अदर हैजार्ड्स को साइट से इमीडिएटली रिमूव कर देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर फ्लोर पर कहीं ऑयल स्पिल हो गया हो तो उसे तुरंत क्लीन करना चाहिए, ताकि कोई स्लिप ना कर सके। एंड द लास्ट पॉइंट इज रेगुलर सेफ्टी ऑडिट्स। यानी साइट पर रेगुलर सेफ्टी ऑडिट्स और इंस्पेक्शन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज ये इंश्योर करता है कि सभी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स साइट पर फॉलो किए जा रहे हैं और सारे इश्यूज को टाइमली एड्रेस किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की टॉप 10 शटडाउन प्रिकॉशंस। इन पॉइंट्स को फॉलो करके आप सेफ्टी ऑपरेशंस को सेफ और इफिशियंट बना सकते हैं। गाइज, अगर आप ऑयल एंड गैस फील्ड में अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं तो चैनल को एक बार जरूर एक्सप्लोर करें और वीडियो को चेकआउट करें, जिसमें हमने बहुत इजी वे में एक्सप्लेन किया है कि किसी भी ऑयल एंड गैस फील्ड में आप कैसे एंट्री कर सकते हैं। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि आगे आने वाले वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। जल्दी मिलेंगे किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।